हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं शानी और आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत है। दिस फेस्टिव सीजन अगर आप ना सिल्क साड़ी पहनना चाहते हो और ना ही ऐसे कुछ सिफॉन साड़ीज, देन लेडीज़ आप मेरी जैसे फ्रिल साड़ी ज़रूर ड्रेप कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ साड़ी वेडिंग हो या फिर फेस्टिवल कभी भी पहन सकते हो एंड एज अ पार्टी वेयर साड़ी एज वेल, बिकॉज इट इज़ दैट वर्सेटाइल। एंड आप ये सेम साड़ी परचेस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना, मैं बाइंग डिटेल्स हर दिन के जैसे शेयर कर दूँगी। और आज की साड़ी को मैंने विद अ वाइट ब्लाउज पेयर अप करी है एंड स्टाइलिंग भी बहुत ही शटल वे में करी है। आई होप आपको पसंद आएगी। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि फ्रिल साड़ी ड्रेपिंग से जुड़ी कुछ इजी एंड बहुत ही यूजफुल टिप्स आज के वीडियो में शेयर करी है। सो वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। एंड मेरे चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ऐसे और भी साड़ी ड्रेपिंग से जुड़ी वीडियोज आप देख पाओ। एंड दिस दुर्गा पूजा के टाइम मैं किस दिन क्या साड़ी ड्रेप करने वाली हूँ और कैसे तैयार होने वाली हूँ, सबकी डिटेल्स मैं एपिसोड बाई एपिसोड देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो आइए आज की ड्रिपिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साड़ी की। आज की साड़ी इज़ अ ब्यूटीफुल मजेंटा पिंक साड़ी विद फ्रिल्स एंड इट्स एन एड ऑन विद अ सीक्वेंस वर्क थ्रू ऑल ओवर द फैब्रिक। साड़ी की जो फैब्रिक है वो है शिफॉन, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। तो ये वाली आंचल फैब्रिक को छोड़ के हम चले आएंगे दूसरे एंड। मैंने ब्लाउज फैब्रिक अभी तक नहीं निकाली है तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है ताकि साड़ी की लेंथ पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। साड़ी को पहले स्ट्रेट पकड़े एंड साड़ी लेंथ को ज़मीन तक नाप के सबसे पहले दोनों साइड पे सीधी ऐसे टक कर ले, देन भीतर की फैब्रिक को टकिंग करें। पेटीकोट या शेपर जो भी आप पहनो, मेक श्योर बेसिक राउंड की टकिंग बहुत ही नीट एंड टाइटली करनी है। मैंने आज कॉटन की पेटीकोट पहनी है जो हम सबके पास आई बिलीव होती ही है एंड कॉटन फैब्रिक तो ब्रीदेबल भी होती है तो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। सो डू वेयर एज पर योर चॉइस एंड अवेलेबिलिटी। जो भी आप पहनो मेक श्योर बेसिक टकिंग को सीधी और टाइट रख के ही बनानी है। एंड सी, मैंने आगे से ही फुटवेयर डाल रखी है सो दैट बाद में जूते पहनने से साड़ी की जो हाइट है या ऊँची या नीची ना बने। ओके, सो साड़ी की ऊपर की बॉर्डर के थ्रू हम पहुंच गए हैं पल्लू एंड तक। देख सकते हो राइट हैंड वाली बॉर्डर पे कोई भी फ्रिल नहीं है। नेक्स्ट इसे घुमा के सीधी पकड़े एंड ऐसे दोनों हाथों से रफली गैदर कर ले, डन। अब पकड़ के पल्लू को अपने बॉडी के अराउंड घुमा के सामने ले आए और अपने लेफ्ट कंधे पर प्लेस कर ले। इसकी जो लेंथ है इसे आप अपने घुटने तक ही बनाओगे, आई मीन नी तक ऐसे मेजर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप अपनी बस्ट वाली साड़ी बॉर्डर को स्प्रेड कर ले एंड अपने कमर के पीछे से टाइटली इसे पकड़ के सामने ले आए। सी, नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस मच ऑफ फैब्रिक इन द मिडिल विथ विच वी विल डू टू मोर थिंग्स। होल्ड दिस साड़ी बॉर्डर टाइटली बट तीछा ऐसे डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर पीछे से चेक कर ले फैब्रिक सीधी आई है या नहीं। सो एज यू कैन सी इट्स राइट। देन एक सेफ्टी पिन लेके साड़ी बॉर्डर को अपने नेवल के पास सिक्योर कर दे एंड यहाँ आपको आपके पेटीकोट के फैब्रिक के साथ ही साड़ी को सिक्योर करनी है ताकि इसकी जो फिटिंग है वो आपके हिप के अराउंड ऐसे ही बरकरार रहे, आई मीन टाइट फिटिंग रहे और लूज ना हो पाए। नाउ पुल द फैब्रिक फ्रॉम दिस लेंथ एंड तीछा ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के एक प्लीट बना ले और दूसरे हाथ से यहाँ की फोल्ड को थोड़ी सी बेहतर कर लीजिए। नाउ जस्ट टक इट इन टू द वेस्ट लाइन, करीबन वेस्ट लाइन के मिडिल बराबर। सी, दिस विल मेक योर लेफ्ट हिप सेक्शन लुक टाइटर एंड इसके बाद आप अपनी राइट कमर के पास से फैब्रिक को पकड़ ले, क्योंकि अब हम अरेंज करने वाले हैं सेंटर प्लीज। सेंटर प्लीज बनाने के लिए हाथ को अपने लेफ्ट हिप तक ला के फैब्रिक को मेजर कर ले, क्योंकि सेंटर प्लीज अरेंज करने के लिए हाथ को आगे की तरफ इतना सा लेते हुए बनाना है। अब मेरे उंगलियों के मूवमेंट को फॉलो करें कि हमें कैसे ईजिली प्लीज बनाना है। सी, थंब एंड लिटिल फिंगर आर प्लेइंग द मेजर रोल हेयर एंड लेफ्ट तक आते आते जब फैब्रिक टाइट लगे टू मेक अ कम्प्लीट प्लीट, देन लीव इट एंड साड़ी प्लीज को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा ले। एंड ऐसे साड़ीज में आप पतले पतले प्लीज बनाते हो तो बेहतर है, नीचे की फ्रिल्स और भी अच्छी लगती है। नाउ वन बाई वन कॉर्नर्स को मिला ले। एंड यहाँ पे एक टिप है, शिफॉन साड़ीज़ या फिर ऐसे फ्रिल साड़ीज़ में हमेशा भीतर के कॉर्नर्स को भी मिलाया करो ताकि प्लीट्स इवन एंड पैरेलल बने और पीछे की ये वाली साड़ी बॉर्डर को एक साथ पकड़ना ना भूले। नाउ टेक टू सेफ्टी पिन्स टू सिक्योर बोथ ऑफ द कॉर्नर्स बिफोर टकिंग इट इनटू द वेस्ट लाइन। फ्रिल्स लगे हुए होते हैं तो नीचे की साड़ी बॉर्डर थोड़ी सी हैवी हो जाती है तो साड़ी की जो सेंटर प्लीट्स है वो कुछ देर तक लूज होने लगते हैं क्योंकि एक जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। होप यू नो व्हाट आई मीन। सो ड्रेपिंग को सिक्योर करने के लिए आपको भी मेरे जैसे ऐसे ही पिनिंग कर लेनी है।
नेक्स्ट वन बाई वन सारे प्लीट्स को लेंथ वाइज पकड़ लो ताकि टकिंग के समय कोई भी प्लीट आगे पीछे ना बने और एक लाइन बराबर मेंटेन हो। एंड लेफ्ट की ये वाली फैब्रिक से भी इंस्टेंट ऐसे पतले पतले प्लीट्स बना के पकड़ ले और वेस्ट लाइन में टक कर दे। एंड मेक श्योर टू स्प्रेड द प्लीट्स अप टू द बॉटम यानी नीचे तक इवेंटली फैला दे ताकि बेली बटन के पास ज़्यादा फ्लफी ना लगे। तो इसके बाद इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा फैब्रिक एट द राइट साइड तो जो थोड़ी बहुत फैब्रिक बची है उसे भी मैनेज करके वही राइट पे ही टक कर देनी है। नाउ लेट्स अरेंज द पल्लू। सी पल्लू आप चाहो तो ऐसे फ्री भी रख सकते हो अगर आप प्लीट्स के झंझट में नहीं फंसना चाहते तो। इन दैट केस पल्लू को आप अपने बस्ट के ऊपर ऐसे टाइटली प्लेस कर ले एंड पीछे से हाथ को लेते हुए पुल द फैब्रिक फ्रॉम बिहाइंड ताकि ये बस्ट के ऊपर टाइट फिटेड लगे। सो टाइट फिटेड लगने के बाद सिक्योर इट विद द ब्लाउज फैब्रिक। ठीक है, नाउ वॉच वॉट यू हैव टू डू इफ यू डोंट वांट टू कैरी द पल्लू ऑन योर लेफ्ट हैंड द होल डे। तो प्लीट्स में अरेंज करना पड़ेगा, राइट? फ्रिल्स लगे होने की वजह से प्लीट्स अरेंज करना थोड़ा ट्रिकी है। सी केयरफुली। फ्रिल्स जो है इसके वाइडनेस का ध्यान रखते हुए आपको पहले एक प्लीट जैसे बनानी है ताकि इसकी जो वाइडनेस है इंक्लूडिंग द फ्रिल्स वो आपकी कंधे जितनी ही बनने चाहिए। ठीक है, लाइक दिस मच ऑफ अ वाइड प्लीट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले फ्रिल्स को ऐसे फोल्ड कर ले, इससे आपको बॉर्डर को पकड़ने में आसानी होगी। तो जिगजैग वे में ऐसे सिमिलर विड्थ की प्लीट्स बना ले, जस्ट लाइक मेकिंग द सेंटर प्लीट्स जैसे हमने अरेंज करी थी। अब एन को पकड़ के झटक ले टू रिलीज ऑल द फ्रिल्स। अब इनको ऊंचा पकड़ के आगे की लेंथ से प्लीट्स को अरेंज करना है। आप चाहो तो एंड में एक पिन से भी सिक्योर कर सकते हो, बट दिस काइंड ऑफ फैब्रिक इज़ नथिंग लाइक सिल्क साड़ीज। जैसे पकड़ोगे वैसे ही अरेंज हो जाती है, नथिंग कम्प्लेक्स एंड ईजी टू टेम। सो ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे तक पहुँचना है। जब कंधे के करीब आ जाते हो तब केयरफुली वन बाय वन सारे प्लीट्स को मिला के एक साथ पकड़ ले ताकि पिनिंग के टाइम कोई भी प्लीट आपसे ना छूटे। और पिन से थोड़ा सा पीछे की साइड पे सिक्योर करना है ब्लाउज के साथ। सी पीछे से ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं प्लीट्स की वाइडनेस, है ना? तो फ्रंट प्लीट्स को अरेंज कर ले ताकि ईच एंड एवरी प्लीट सामने से प्रॉपरली विजिबल हो एंड बस्ट वाली बॉर्डर टाइट फिटेड रहे, इसका ध्यान रखिए। तो इसके साथ साथ हमारी आज की फ्रिल साड़ी की ड्रेपिंग हो जाती है कंप्लीट। आई होप आई हैव एक्सप्लेन द होल टेक्निक रियली वेल एंड मेक यू अंडरस्टैंड। स्टिल ड्रेपिंग से जुड़ी कोई भी कन्फ्यूजन या फिर क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो आज की साड़ी को मैंने एज अ फेस्टिव वेयर कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करी है विद अ सिंपल पर्ल नेकलेस, अ पर्ल डैंगलर, अ रोज विद अ क्लासिक हेयर बन, अ वॉच एंड अ रिंग एंड अ बैंगल ऑन द अनदर हैंड। स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग दोनों ही आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर लिख के बताना। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साइड की बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो यूज़फुल होने से वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कहाँ क्या इम्प्रूव हो सकता था या फिर स्पेसिफिक किसी भी साड़ी की ड्रेपिंग आपको देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट्स पर लिख के बता सकते हो। ओके, सो मेरी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो टू वॉच सम मोर वीडियोज़ एज आई सेड। नाउ ग्रांट मी योर लिंक सो दैट आई कैन कम अप विद एन another video the next day. Till then, goodbye and thanks for watching.